वंदे मातरम। आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 18 से उनके सॉल्यूशंस को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और समझेंगे। तो मैं आरपी पांडे कृपाते ग्रुप में आप सबका स्वागत करता हूं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा कॉल पर क्लिक ज़रूर कर दीजिए। तो आइए आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करें। तो ये देखते हैं, जैसा कि हम लोग का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, टेन ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। तो इसमें हम लोग को क्या करना है, तो जैसे इसका वैल्यू निकालना है, इसका मान निकालना है। तो देखिए अब बहुत ही सिंपल है, इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको सोचना होगा कि अगर यहाँ पर साइन इनवर्स और प्लस कॉट इनवर्स करके है तो ऐसा कोई भी फॉर्मूला आप लोग नहीं जानते हैं जिससे कि यहाँ पर आसानी से हम लोग बना सकें। तो ऐसे क्वेश्चनों को सबसे आसान और सबसे बेहतर उपाय ये होता है कि साइन इनवर्स वाले को भी टेन इनवर्स में बदल दीजिए और कॉट इनवर्स वाले को भी टेन इनवर्स में बदल दीजिए। तो इससे बेनिफिट क्या हो जाएगा कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई वाला जो फॉर्मूला होता है उस टाइप के फॉर्मूला को हम लोग यूज करके आसानी से बना सकते हैं। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का जो फॉर्मूला है वैसे हम लोग बना सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ से साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में बदलने या कॉट इनवर्स को या किसी से भी किसी को किसी से दूसरे में बदलना, साइन को कॉस में या कॉस को साइन में या साइन को टेन में, टेन को कॉट में, एक तो डायरेक्ट तरीका हो जाता है, बहुत ही आसानी से आप लिख सकते हैं। अगर किसी बच्चे को दिक्कत होता है तो वो सिंपल और भी कुछ तरीका है उसको फॉलो कर सकते हैं, बेसिक जो टेंथ में आप पढ़ते हैं। तो पहले मैं बेसिक समझा देता हूँ कि अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आए तो वैसे बना सकते हैं, फिर एडवांस तरीका भी यहाँ पे दे दूँगा। जैसे देखिए यहाँ पे क्या, साइन इनवर्स 3/5, सिंपल सा आप एक ट्राइंगल बना लीजिए, टेंथ का याद आ जाएगा आपको। मान लीजिए कि ये आपका थीटा एंगल का बात हो रहा है, तो साइन क्या होता है, साइन इनवर्स यहाँ पे कोई लेना देना नहीं, साइन क्या होता है, साइन इनवर्स इतना इज इक्वल टू, अगर थीटा आप लिखते हैं तो साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 होता ना। जैसे देखिए समझिए, अगर साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू मैं थीटा लिखता तो आप कहते हैं ना कि साइन थीटा बराबर क्या 3/5। तो इसी तरह से साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 आ जाता। तो इस थीटा के लिए ये साइन क्या होता है, P/H होता है, तो यानी कि ये 3 है और ये 5 है और हमें किस में बदलना है, 10 में बदलना है। तो 10 के लिए क्या चाहिए होता है, तो P/B यानी हमें B का जरूरत पड़ता है। तो ये कैसे निकलता है, तो इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटा के रूट कर देते हैं ना। तो सिंपली आप इसको जब सॉल्व कर लेते हैं, 5 का स्क्वायर - 3 का स्क्वायर तो यहाँ पर निकल जाता है, यानी 25 - 9 16, यानी कि यहाँ पर हो जाता है आपका 4। ठीक है, वैसे भी ये एक ऐसा रेशियो है जो लगभग बच्चों को याद ही रहता है, अगर 3/4 दिया है तो वहाँ 5/5 दिया है तो 3/5 दिया है तो 4, ये बहुत बड़ा आता है। तो एक तो ऐसे है, बहुत ही सिंपल है, किसी का भी दिया हो ऐसे बनाकर एक बार आप उसका फिगर बना लीजिए और लिख दीजिए। यानी कि टेन इनवर्स में इसे बदलना हो तो आप कैसे, अब लिख दीजिएगा टेन इनवर्स और क्या हो जाएगा, तो P/B होता है तो 3/4। तो ये हो गया। अब एक होता है कि डायरेक्ट फॉर्मूला का इस्तेमाल करना, डायरेक्ट कैसे, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है साइन इनवर्स 3/5। अब मुझे पता है कि साइन क्या होता है, P/H होता है और टेन इनवर्स में बदलना है। देखिए ये डायरेक्ट बदलने का तरीका, तो साइन इनवर्स P/H होता है और टेन इनवर्स के साथ P/B, तो पी तो सेम रहा तो थ्री सेम रहा, तो थ्री ऊपर तो हो गया फिक्स है क्योंकि P/H होता है, यहाँ पे P/B होता है तो पी तो सेम रहा। अब बी कैसे निकलता है, तो एच के स्क्वायर माइनस पी ऐसे, तो यहीं पे घटा दिए 5 का स्क्वायर 6 25 और यहाँ पे 9 25 - 9 16 और उसका 4। तो इस तरह से आप डायरेक्ट भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर इस वाले टाइप को और डिटेल्स अगर जानना होगा तो आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिए। मैं आपको इसके लिए एक प्रॉपर इसी के सबको समझाते हुए एक वीडियो बना दूंगा जिसमें सभी को चेंज कर करके बता दूंगा। यहाँ पे मैं सिर्फ एक क्वेश्चन बनाने चल रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा हिंट में दे दिया। ठीक है, तो अब बाकी सब पे आप ऐसे ही अप्लाई करके आगे बढ़ेंगे। ओके, जो भी दिया हो उसका फिगर बना लीजिए, थीटा के रूप में आप दिखा दीजिए और जिसमें भी बदलना हो वहाँ से आप, जब आपको तीनों मालूम होगा तो आप जानते हैं आप साइन कॉस टेन से कॉस कॉट सब कुछ यहाँ से निकाल सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। इस टाइप का मैंने जैसे कहा कि अगर आपको ज़्यादा डिटेल से जाना होगा, आप अगर कमेंट करते हैं तो मैं इसके लिए प्रॉपर वीडियो बना दूंगा डायरेक्ट कैसे आप लिख सकते हैं, सभी के लिए फॉर्मूला कैसे डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है। अच्छा, एक और बात मन में आ सकता है बच्चे को कि सर इन दोनों को टेन इनवर्स में ही क्यों बदलना, उसके दो रीजन्स। नंबर वन, टेन इनवर्स में दोनों को बदल देंगे तो एक तो फॉर्मूला बनेगा और नंबर टू बाहर भी टेन है तो अंदर टेन इनवर्स आ गया और बाहर टेन है तो हमारा रिजल्ट लाने में बहुत ही ईजी होगा और आसानी होगा। चलो तो इसको बदल दें तो ये कितना हो गया, टेन इनवर्स, अभी भी जैसे यहाँ पर निकाल चुके हैं ये 3/4 प्लस, इसको बदलना है कॉट को टेन इनवर्स में तो इसमें सोचना तो नहीं पड़ेगा ना, ये तो उल्टा होता है, तो सिंपली 2/3 कर दीजिए, इसमें ज़्यादा तामझाम वाला काम नहीं है। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। अच्छा, एक और बात,
अब इस वाले फिगर पे, जैसे ये फिगर मैंने बनाया है, तो अब ये मत सोचिएगा कि आप इस 10 पे यहीं पे सोच दिए कि 3/4। अब इसके लिए फिर आपको एक अलग फिगर बनाना पड़ जाएगा, ठीक है, जब ऐसा कुछ अलग होता तो, ठीक है। हर अलग अलग पार्ट के लिए अलग अलग फिगर बना के आप समझ सकते हैं, वरना डायरेक्ट सीख लीजिए, यूं ही बन जाएगा। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आगे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई के फॉर्मूला पे इसे हम लोग तोड़ रहे हैं, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई यानी कि 3/4 प्लस 2/3, और नीचे क्या हो गया 1 - x इंटू वाई यानी 3/4 इंटू 2/3। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक तो यहाँ पे टेन इनवर्स ऑफ टेन कैंसिल भी कर सकते हैं, हटा दिया जाए, हटा दो कैंसिल, इसको हटा देते हैं, ठीक है। डायरेक्ट हम लोग अब इसका अप्लाई कर लीजिए, या एक काम को थोड़ा सा एक दो लाइन लिख देने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं ताकि रिजल्ट भी तो थोड़ा देखना है ना, क्योंकि एक बात यहाँ पर आ सकता है कि ये कब होता है, तो इसके रेंज और इसके वो जो बताया गया था रेंज में ध्यान देना है कि टेन इनवर्स है, टेन है बाहर, तो कब कब होता है, मैंने जो प्रॉपर्टीज आपको लिखवाया होगा, तो बगल में मैं जब लिखता था तो मैं कहता था कि इनका ध्यान रखिए, बहुत ही ज़रूरत पड़ेगा। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे 4/3 का एलसीएम हो गया 12, यहाँ पे हो गया 9 प्लस, यहाँ पे हो गया 8, और नीचे क्या हो गया 1 माइनस, तो 1 माइनस क्या करना है, सीधे यहाँ पे भी करिए 12 माइनस, और यहाँ पे 6। ओके, ये 12 से 12 कैंसिल, आगे बढ़ते हैं, ये हो गया 10 ऑफ 10 इनवर्स, और यहाँ पे हो गया 17, और यहाँ पे हो गया 6। तो काम आपका हाँ बिल्कुल हो सकता है। अब यहाँ पे 10 इनवर्स ऑफ 10 ख़त्म करिए, 17/6 आपका आंसर, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, हम लोग से उनको ज़रा समझा जाए, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना, क्वेश्चन नंबर 19 ये कहता है कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 का मान बराबर है, ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे फिर वही बात मैंने बताया था कि जैसे इनको देखते ही सबसे पहले दिमाग में हम लोग का क्या आता है कि सीधे 7π/6 लिख दिया जाए और वो आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, अगर ऐसा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है तो एक ऑप्शन ऐसा भी डाल दिया जाएगा आपको भ्रमित करने के लिए, और आप जो ज़्यादा दिमाग लगाएंगे और 7π/6 मार दिए तो वहाँ पर आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो क्या होता है ऐसे क्वेश्चनों में, सिंपल हमें वो जो रेंज होता है ना उसको भी तो ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये कितना एंगल है, तो 21 यानी कि 210 यानी 210 डिग्री हो गई, ये आपका 210 डिग्री का ये एंगल हो गया, ठीक है, 210 डिग्री का ये कोण यहाँ पे बन गया। तो अब बताइए 210 डिग्री तो कॉस के रेंज में आया नहीं, क्योंकि कॉस क्या होता है, तो 0 से π, कॉस का क्या होता है आपको मैंने लिखवाया था 0 से π होता है, तो 0 से 180 डिग्री तक होना चाहिए और ये 210 हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पे ये अप्लाई नहीं होता है। तो अभी इसको लाना पड़ेगा अपने सिस्टम में, पीछे के क्वेश्चन देखे होंगे तो आप बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आया था वहाँ पे भी। तो कॉस इनवर्स, यहाँ पे मैं बड़ा ब्रैकेट ले लेता हूँ कॉस, और इसको इस रेंज में लाने के लिए आपको क्या दिमाग में आएगा, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कि सर बताए थे पाई माइनस कर देने के लिए, पर एक बात ध्यान रखें, पाई माइनस मैंने कब बताया था, जब यहाँ पे निगेटिव साइन है, यहाँ पे निगेटिव साइन नहीं है बल्कि पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या करना होगा, और कॉस पॉजिटिव कब कब होता है, तो क्वाड्रेंट वाले के लिए मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट में तो होता ही ऑल पॉजिटिव, और यहाँ पे कॉस पॉजिटिव हो जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आने के लिए आपको 2π - से चलना होगा, ठीक है। ये 11th का पार्ट है, ये चीज़ 11th का पार्ट है, 11th के ट्रिग्नोमेट्री में उसको डिटेल से देखना है। तो यहाँ पे हो गया हम लोग का क्या, कॉस 2π - और यहाँ पे आप कितना करें, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम करते क्या है हम लोग, तो 7π/6 को तोड़ा जा रहा है, तो 7π/6 को क्या यहाँ पे लिख सकते हैं, इसी पे ध्यान दिया जाता है, ऐसा नहीं कि 2π - कुछ भी क्या होगा, क्योंकि ये घटाव बट्टा के घटाव बनाने के बाद हमारा रिजल्ट आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम 5π/6 कर दें तो देखिए तो कोई चेंजिंग हुआ, बहुत ध्यान से देखिए, 6 × 12π, ठीक है, 6 × 12π, अब 12π में से 5π गया 7π, ओके, 6 में 2 से मल्टीप्लाई किए तो 12π हुआ अपना, और 12π में से अगर 5π को माइनस किए तो 7π हो गया, और नीचे 6 है तो काम हो गया, ठीक है। तो इनको ही वैसे चेंज करना है कि इसका रिजल्ट ना बदले, इसी को चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, दोनों आना जाना बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। तो नेक्स्ट अब हमारा कोई काम नहीं, यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं, कॉस इनवर्स यहाँ पे हो गया, कॉस 2π - थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, इसलिए तो ऐसा लिखा गया है,
क्या होता है cos थीटा, तो 5 पाई अपॉन 6, और यहाँ पे cos इनवर्स से cos कैंसिल क्या हो गया 5 पाई अपॉन 6 क्या हो रहा है 5 पाई अपॉन 6 ये हो गया अपना आंसर। तो इसमें ऑप्शन दिया है सर 19 नंबर में, ऑप्शन हम लोग को चुनना है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया 19 का बी है, तो ऑप्शन बी हो गया अपना आंसर। ठीक है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी हो गया। अब 20 नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं यहाँ पे मुझे उम्मीद है कि हो जाएगा, इसी पे बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो है, क्वेश्चन नंबर 20 साइन पाई अपॉन 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, और इनका भी वैल्यू निकालना है, इसका भी हम लोग को वैल्यू निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे साइन वैसे ही रहने दीजिए साइन, और ये ब्रैकेट जो है पाई अपॉन 3, इसको भी वैसे माइनस साइन इनवर्स माइनस 1 अपॉन 2। देखिए, अब साइन इनवर्स माइनस 1 अपॉन 2 को निकालने के लिए मैंने आपको बहुत सारे रास्ते सिखाए हैं, आपको मैंने कुछ शॉर्टकट का भी तरीका बताया था, अगर आप एक्सरसाइज 2.1 आपको याद होगा, यहाँ से आप निकालना जानते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट करता हूँ क्योंकि आप समझ चुके हैं और वैसे भी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो साइन इनवर्स माइनस अपॉन 2, आपको पता है ना कि साइन और निगेटिव में, तो पहले सबसे आपको क्या सुनना होता है, वहाँ पर बताया था मैं, आप एकदम 2.1 के एक्सरसाइज में जहाँ पर मैं शॉर्टकट तरीका से बनाने के लिए बताया हूँ, उसको भी अगर आप ध्यान से दिए होंगे तो एकदम आप यहाँ पर जल्दी बना लेंगे। तो साइन 1 अपॉन 2 पहले कितने का होता है, तो पाई अपॉन 6, चूंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस पाई अपॉन 6 हो जाता है, तो माइनस पाई अपॉन 6 हो जाता है, तो यहाँ माइनस पहले से, तो माइनस माइनस प्लस में कर देता हूँ पाई अपॉन 6। ठीक है, मैं यहाँ पे इस चीज़ को, ऐसे चीज़ों को बनाने के लिए बार बार बहुत सारा बता दिया हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर आप लोग वीडियो लगातार देखते आ रहे हैं शुरू से, तो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये कितना हो गया साइन, और यहाँ पे एलसीएम हो गया हम लोग का 6, और यहाँ पे हो गया 2 पाई प्लस पाई, तो और आगे बढ़ते हैं, तो ये हो गया साइन 3 पाई अपॉन 6, 3 2 हो गया, तो ये हो गया साइन पाई अपॉन 2, और यहाँ पे अब हम लोग को साइन पाई अपॉन 2 का वैल्यू लिख देना है, तो ये हो गया 1, और ये हो गया आंसर। ऑप्शन इसमें भी बताना है, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका, ऑप्शन क्या हो गया डी आंसर, तो 20 का हो गया डी। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करिए, इसे नोट करिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे देख लेते हैं। आइए, हम लोग का ये लास्ट क्वेश्चन है 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है टेन इनवर्स रूट 3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस रूट 3, तो इनको हम लोग को लिखना है, तो बहुत ही सिंपल, देखिए सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। तो टेन इनवर्स रूट 3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस रूट 3 है हम लोग का। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, आप अब दो तरह से चलिए, या तो आप पूरे प्रोसेस से इसको लिखिए, और इसका बनाने का मैं सबको बता दिया हूँ ना, इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, और ऐसे करके आप दोनों को बनाते चलिए, या फिर आप इस्तेमाल करिए थोड़ा शॉर्ट तरीका। तो चूंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो शॉर्ट ट्रिक ही इस्तेमाल करता हूँ, पर उतना भी शॉर्ट नहीं होगा, थोड़ा सा वैल्यू को जल्दी लाया जाएगा, और आपको बताया भी गया है। देखिए कैसे, टेन इनवर्स रूट 3 का यहाँ पे तो आपको कोई समस्या नहीं है, टेन इनवर्स रूट 3, देखिए यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स भी दो तरह से इस्तेमाल, देखिए इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चनों को बनाने के लिए कई तरीका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मैं एक काम भी करूँगा, एक नेक्स्ट वीडियो जरूर बनाऊँगा जिसमें एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से बनाने का मैं बता दूंगा। जैसे कि यहाँ पे एक तरीका तो ये हो गया कि डायरेक्ट अप्लाई कर दीजिए जो मैं एंगल बताया था, एक तरीका ये हो गया, इसको एक्स मान लीजिए, इसको वाई मान लीजिए। एक तरीका और हो जाएगा कि टेन इनवर्स को लेने से रूट 3 का वैल्यू कितना होता है उसको लिखना। मैं क्या कहूँ, जैसे देखिए यहाँ पे मैं दो तरीके से बनाता हूँ, एक एक्स और वाई मान के मैं छोड़ देता हूँ, एक्स और वाई वाला कॉन्सेप्ट मैं छोड़ा हूँ। उसके बाद एक तो तरीका ये हो गया कि आप टेन इनवर्स लिखिए, और ये रूट 3 किसका वैल्यू है वो लिख दीजिए, तो वो कितने का होता है, तो टेन पाई अपॉन 3, तो यहाँ से आप टेन इनवर्स ऑफ टेन कैंसिल करके पाई अपॉन 3 ला देंगे। एक ये तरीका हो जाएगा, यहाँ पे हो गया आपको कॉट इनवर्स। ये 2.1 में आपको इसलिए नहीं बताया जाता है, ये तरीका 2.1 में क्यों नहीं बताया जाता है, अगर किसी बच्चे के मन में आया हो तो सिंपल सा लॉजिक है, ये थ्योरम जो पढ़ाया जाता है ये 2.2 में पढ़ाया जाता है, यानी 2.2 का जो 2.2 है उसके इंट्रोडक्शन पार्ट में ये हम लोग थ्योरम पढ़ते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर मैं 2.1 में पढ़ा रहा हूँ तो जाहिर सी बात है गड़बड़ होना है, क्यों, क्योंकि ये थ्योरम हम जानते ही नहीं उस समय तक।
तो इसीलिए उसमें एक्स मान करके बताया जाता है या वाई मान करके बताया जाता है। तो इसीलिए ये अब जब चूंकि हम ये थ्योरम जान चुके हैं तो हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, एक्स वाई वाला एक कॉन्सेप्ट हो ही गया। दूसरा यहाँ पे भी हम लोग वही काम कर सकते हैं, माइनस है। अब कॉट का कितना होता है तो हम लोग जानते हैं कॉट और रूट थ्री लाना है तो पाई अपॉन सिक्स हो जाएगा। ओके आगे बढ़ें, यहाँ से आपको पता है ये हो गया पाई अपॉन थ्री माइनस। यहाँ पे अभी काम हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम लोगों के पास यहाँ पे माइनस को अंदर लेकर चलना होगा, तो ये होता है कॉट माइनस पाई अपॉन सिक्स, नहीं कर सकते इसको। एक काम करिए, ऐसे नहीं कर सकते, सॉरी रॉन्ग हो जाएगा, उसके लिए ध्यान दीजिए। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, पाई माइनस पाई अपॉन सिक्स। ओके पाई माइनस पाई अपॉन सिक्स कर सकते हैं ना। कॉट को यहाँ पे जब निगेटिव होता है तो मैंने बताया था निगेटिव वाले के लिए हमें सोचना उतना नहीं है, यहीं पे डायरेक्ट उसको अप्लाई कर सकते थे, निगेटिव है तो सीधे पाई माइनस वाला काम कर देते हैं। तो इस चीज़ को मैं डायरेक्ट यहाँ पे करके सिक्स पाई में से पाई गया फाइव पाई अपॉन सिक्स लिख दूँ, इतना लाइन एक लाइन में बचा लेता हूँ, ठीक है। ओके कोई दिक्कत नहीं, वो लिख के फिर मिटा के मैं लिख दिया तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। तो अब अगले लाइन में क्या हो गया, पाई अपॉन थ्री माइनस, और ये कॉट से कॉट अब कैंसिल हो गया तो फाइव पाई अपॉन सिक्स, और इसको आप लोग जानते हैं यहाँ पे हो गया सिक्स, यहाँ पे हो गया टू पाई माइनस फाइव पाई, और ये अगले लाइन में हो गया माइनस थ्री पाई अपॉन सिक्स, और थ्री टू या सिक्स, तो रिजल्ट हम लोग का हो गया माइनस पाई अपॉन टू। एक तो तरीका ये हो गया, ठीक है, एक नहीं इसे दूसरा तरीका मानिए। अब मुझे लगता है नेक्स्ट वीडियो बनाने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, यहीं पर हो गया। एक तो एक्स और वाई मान के जो 2.1 में बताया गया वैसे बनाइए, तो वो एक तरीका। दूसरा तरीका इनके वैल्यूज़ को लिख के ऐसे ऐसे चलिए, और तीसरा जो अपना शॉर्ट मेथड मैंने मतलब टाइप से बताया था तो उसमें सिंपल से क्या, तो जैसे कि ये क्वेश्चन है ना, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, टेन इनवर्स रूट थ्री माइनस कॉट इनवर्स माइनस रूट थ्री, ये तो सबसे सिंपल है। थर्ड तरीका जो है अपना, इसका हम जानते हैं कितना हो गया पाई अपॉन थ्री, जानते हैं ना क्या कहता है वही ना, शॉर्ट ट्रिक अगर देखें तो कि टेन के कितने एंगल का मान रूट थ्री होता है तो पाई अपॉन थ्री, और यहाँ पे कॉट में भी वही सोच रहे हैं कि कितने का मान रूट थ्री होता है, तो आपको दिमाग में आएगा सीधे पाई अपॉन सिक्स, क्या पाई अपॉन सिक्स। अब क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो मैंने क्या कहा था कि पाई में से इसको माइनस कर देना है, तो सिक्स पाई माइनस पाई यानी कि फाइव पाई यानी कि माइनस फाइव पाई अपॉन सिक्स, और यहाँ पे भी आप डायरेक्ट अब ये एलसीएम वाला पार्ट आप करके सिक्स किए टू पाई माइनस फाइव पाई, वही प्रोसेस ऑफ माइनस थ्री पाई अपॉन सिक्स, थ्री टू जा माइनस पाई अपॉन टू आंसर, ठीक है। तो ये ऑप्शन कितना हो गया, तो 21 का ये ऑप्शन कितना थे, बी, 21 का जो ऑप्शन नंबर है वो बी हो गया। तो इसके साथ ये हम लोग का ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। वीडियो को पॉज करिए, इसे नोट करिए, उसके बाद देखते हैं। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे रोकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सभी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, फिर भी कोई अगर दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए आप हमेशा आपका वेलकम है, आप कुछ भी आके कमेंट में बता सकते हैं। समझ में आया तब भी कमेंट कर दीजिए, पता चलेगा कि हाँ आपको अच्छे से क्लियर हो गया है, और अब नेक्स्ट अपना सिलेबस को और आगे बढ़ाते हुए चला जाएगा। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, जय हिंद।